ओम शांति। गुड मॉर्निंग मीठे प्यारे बाप दादा के 3/12/2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं मीठे बच्चे। अब कलयुग की रात पूरी हो रही है, नवयुग बनाने बाप आए हैं, इसलिए तुम जाहो बाबा की याद से अपने विक्रम विनाश करो। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि सत्वप्रधान बनती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें दूसरों को भी आप समान बनाने के ख्याल आते रहेंगे, वो अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्तियां रचते रहेंगे, दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चों को बड़े से बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है? उत्तर है, सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। कोई भी आत्मा बाप के परिचय के बिना रह न जाए, रात दिन चिंतन चलता रहे कि कैसे सबको समझाए, शंख ध्वनि करे। गीत, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। ये किसने जगाया? सजनी कहने वाला कौन? बच्चे समझते हैं, बेहद का बाप एक ही है जिसका नाम शिव है, बाकी तो अनेक नाम रखे हैं, वह सब है भक्ति मार्ग के। राइट नाम एक ही शिव है। जयंती भी मनाते हैं, वह हो गई परमात्म जयंती। गाते हैं निराकार शिव जयंती। आत्मा को जब शरीर मिलता है तब शरीर का नाम पड़ता है। शिव तो आत्मा का ही नाम है, उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल। सोल का नाम क्या है? नाम गाया है शिव। गाया जाता शिव जयंती, आत्मा की जयंती नहीं। गीता का भगवान तो एक शिव निराकार है, श्री कृष्ण शरीर का नाम है, देहधारी है ना। ये तो शिव बाबा आकर सजनियों को जगाते, अपनी पहचान देते, मैं आया हूँ नई दुनिया बनाने। अब मामे कब याद करो, माया पर जीत पहनो। बाबा को कहते हैं पतित पावन, देवताएं जो पावन थे अभी पतित बने हैं, इसलिए सभी पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ आकर हमें लिबरेट करो। किसे? माया रावण से अथवा शैतान से? मनुष्यों को यह समझ में नहीं आता, अभी चलना है। नवयुग सतयुग अब आया कि आया। गीत में भी कहते हैं नवयुग वह है पवित्र दुनिया। बाबा आते हैं पतित से पावन बनाने के लिए। नई दुनिया को नया युग अथवा सतयुग कहा जाता, यह है ही कलयुग पुरानी दुनिया। कुंभकर्ण की नींद में सब सोए हैं, उनको आकर जगाते। माया ने अज्ञान अंधकार की रात में सबको सुला दिया। अब बाबा कहते बच्चे कुंभकर्ण की नींद से जागो, इस पुरानी दुनिया का अंत है, मौत सामने खड़ा है, अब रात पूरी होती है, दिन आना है, इसलिए तुम जागो। क्यों जागना है हमें? दिन आना है। दिन माना सतयुग त्रेतायुग। तुम समझते हो बाबा आए हैं, हम भी घोर अंधेरे में सोए पड़े थे, अब बाबा आए हैं रात को दिन बनाने। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए दिन अर्थात नवयुग बनाने आया हूँ, अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि इस समय सब पतित है ना। सब कहते हैं हमको इस रावण सेलिब्रेट करो, यह कोई समझते ही नहीं है शैतान का राज्य कब शुरू होता है। बाबा आकर रावण के चंबे से छुड़ाते हैं, कैसे? यह तो बाप ही जब आए तब आकर के हम बच्चों को सुनाए सारी बातें जो है ज्ञान की, परमात्मा के सिवाय कोई सुना नहीं सकता है, तब फिर अनुभव से हम किसको समझा सकेंगे। सबको नीचे उतरते उतरते पतित बनना है, तो मुझ पतित पावन को आना ही है संगम पर। बाबा कहते हैं हाँ, सबको पतित बनने के बाद, सब पतित हो जाएंगे फिर उसके बाद मैं आऊँगा। दुनिया के मनुष्य तो घोर अंधेरे में है, समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष पड़ी है, क्योंकि शास्त्रों में भी उल्टा लिख दिया, अब दैवी युग की स्थापना होनी है। दोजग को बहिष्ठ बनाने वाला है ही एक शिव बाप। बाप कोई दोजग थोड़े रचेंगे, बच्चों को अब ये निश्चय पक्का होना चाहिए। कौन सा? बाबा हमको पढ़ाते हैं, बहुत समय से पढ़ाते रहते हैं। अब त्रिमूर्ति शिव जयंती में आने वाली है, लिखना है शिव जयंती, सो गीता जयंती। श्री कृष्ण जयंती जब मनाते हैं तब गीता जयंती नहीं मनाते, श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, जब वो बड़ा होता है ना तब गीता सुनाए। तो त्रिमूर्ति शिव जयंती माना ही गीता जयंती।
परमात्मा जब आते हैं तभी गीता सुनाते हैं ना, ये बहुत समझने की बातें हैं। वो लोग गीता जयंती को अलग कर देते हैं क्योंकि समझते श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो जन्मते ही गीता कैसे सुनाएगा। तुम बच्चों को बाबेट राजयोग सिखलाते, यह भी गाया है ना सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को बाबेट राजयोग सिखला रहे हैं, गाया जाता है। बैरिस्टर के स्कूल में बैठा तो बैरिस्टर पढ़ने लग पड़ते, उसमें एम ऑब्जेक्टिव में बैरिस्टर बनूंगा, बाकी उसमें ऊंच पद पाना यह पढ़ाई पर होता है। कोई फिर अच्छा पढ़ते हैं तो ऊंच पद पाते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो पद भी कम, सारा मदार है पढ़ाई पर। तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हो, परंतु देवताओं में भी नंबरवार मर्तबे हैं, कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, ये सब बातें गुप्त है, कोई की बुद्धि में नहीं आ सकती। कैसे हम अपना ही राज्य स्थापन कर रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी लगने वाली है, परंतु पांडव संप्रदाय लड़ते नहीं, असुर और कौरव संप्रदाय आपस में लड़ झगड़ कर खत्म होते हैं। तो अब तो बच्चों को पुरुषार्थ करना है, समझाना भी है। बाबा समय प्रति समय डायरेक्शन देते रहते हैं। निराकार परमपिता परमात्मा राजयोग कैसे सिखलाएंगे, जरूर शरीर में आएंगे, बाबा श्रीमत दे रहे हैं। बच्चे तुमको याद की यात्रा पर तत्पर रहना है, मुझे याद करो, यह है योग अग्नि जिससे विकर्म विनाश होंगे। दिन प्रतिदिन तुमको अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलती रहती है, पतित पावन की पॉइंट्स भी अच्छी है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, गंगा में जाकर स्नान करते, तुम लिख सकते हो बड़े बड़े अक्षरों में, पतित पावन परमपिता परमात्मा को कहते हैं। ज्ञान का सागर भी वही है ना, सारी दुनिया को पावन बनाते, सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना, दुनिया पावन कैसे बने। गंगा जमुना आदि यह नदियां तो चली आती है, अभी कलयुग का समय है तो कुछ गड़बड़ होती है, सतयुग में फिर सब नदियां अपने ठिकाने पर आ जाएगी, ठिकाने पर आ जाएगी, जो अभी मर्यादा छोड़ करके भाग रही है, बह रही है, ठिकाने पर आ जाएगी। परंतु इसमें पावन तो कोई बनते नहीं, बहुत क्लियर करके समझाना है, पर्चे भी बांटने हैं, वह भी आदमी आदमी देख करके देना है, नहीं तो बहुत बारे हमने देखे हैं, हम पर्चे बांटते हैं और फिर वही पर्चे कोई भजिया वाला होता है या कोई आलू वड़ा बेचने वाला होता है उसके दुकान पर वो चले जाते हैं, फिर हमारे हाथ में वो दिखा दे लोग, ये देखो। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो अच्छी तरह से पढ़े, ज्ञान की उसमें इंटरेस्ट हो, ऐसे बच्चों को ही, भाई बहनों को ही देना है पर्चे। हाँ, तो मुख्य दो तीन पॉइंट्स समझानी जरूर है। वास्तव में इस समय सब पतित विकारी है, सबकी उतरती कला है। गुरु नानक ने भी कहा, मुत पतिति कपड़ धोए, भारत को श्रेष्ठाचार्य तो बनना ही है एट एनी कॉस्ट। बाबा बनाने के लिए आए हैं सबको, इसको तो अभी भ्रष्टाचारी कहेंगे, श्रेष्ठाचारी सिर्फ देवताएं हैं इस समय, और कोई बन ना सके क्योंकि माया का राज्य है ना। हाँ, बाकी भक्ति का सुख मिलता है, यह रचना भी कोई योग बल से नहीं होती है, विकार से पैदाइश होती है। बच्चे पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि पाने से आपस में लड़ पड़ते हैं, हर एक को पहले सुख फिर दुख होता है, यह मनुष्यों की बात है। सतयुग में मनुष्य सुखी है तो जानवर भी सुखी है, बाबा समझाते हैं, ऐसे ऐसे लिखो। त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो फिर श्रीमद् भगवत गीता जयंती, फिर समझाना है, जो समझते हैं उनकी दिल होती है, यह बातें दूसरों को भी समझाए। समझाने के बिगैर वृद्धि कैसे होगी, ड्रामा अनुसार जिनका जो पार्ट है समझने और समझाने का, वह अपना पार्ट बजाते हैं। भक्ति मार्ग, भक्ति का भी पार्ट दिन प्रतिदिन जोर होता है, गाया जाता है, जब भंबोर को आग लगती है तब आँख खुलती है। तुम बच्चों को शंख ध्वनि करनी है, रात दिन चिंतन चलना चाहिए। कल भी बाबा ने कहा था, जो मेरे हेल्दी बच्चे हैं उनका विचार सागर मंथन चलता रहेगा। गाय का उदाहरण बाबा ने दिया था ना, तो आज भी बाबा कहते हैं कि विचार सागर मंथन करना है कि कैसे हम औरों को समझाएं। सारी दुनिया को बाप का परिचय देना है, कितनी बड़ी कारोबार है, दुनिया भी कितनी बड़ी है, बहुत धर्म है, बहुत खंड है, सतयुग में एक ही धर्म होता है, फिर वृद्धि को पाते हैं, ये भी समझते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण पैदा होते हैं, ब्राह्मण वर्ण भी नहीं दिखाते हैं तो पैदा करने वाला भी नहीं दिखाते हैं, तो यह समझाना है। कौरव और पांडव, तुम हो ब्राह्मण,
प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो प्रजापिता भी जरूर चाहिए ना, जिससे भिन्न भिन्न बिरादरियाँ पैदा होती है, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते, बाकी संगमयुग ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। गायन है त्रिमूर्ति ब्रह्मा, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता है, उनको देने वाला कौन है? तुम समझते हो निराकार बाप ब्रह्मा के तन द्वारा, बैठ समझाते, ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा करते, ब्रह्मा मुख वंशावली, जब तुमको सुनाए तब ब्रह्मा भी सुने ना, तुम न होते तो शिव बाबा क्या करते? एक को तो नहीं सुनाया जाता, शास्त्रों में एक अर्जुन का नाम लिखा तो जिस पॉइंट को जिस समय जो पॉइंट निकलती है उस समय उसी सर्विस में लगना चाहिए, तुम्हें हर बात बिल्कुल क्लियर करके समझाई जाती है। जो जो बातें बाबा बताते हैं हम बच्चों को सेवा के लिए या धारणा के लिए उसी समय उसको करना चाहिए, परंतु योग में भी रहे पावन बने ये मेहनत है, विष छोड़ना कितनी बड़ी मेहनत है, विष पर झगड़ा होता है तो बच्चों को सर्विस पर अटेंशन देना है, पढ़कर औरों को पढ़ाना है, ये सर्विस में ही कल्याण है, ओना रहना चाहिए। जो नए आए नए बच्चे आते हैं उनसे फॉर्म भराने वाले बहुत तीखे चाहिए, फॉर्म भराते समय ये भी पूछो तुम साधना करते हो, मेडिटेशन करते हो, मुक्तिधाम में जाना चाहते हो? मुक्तिधाम का मालिक तो एक ही परमपिता परमात्मा है, यह बाप ही आकर पावन बनाते, यह स्नान आदि तो भारत में ही करते हैं और धर्मों में नहीं है। गंगा जल, गंगा में स्नान करना, जितनी भी नदियां हैं वहां जाके स्नान करना, वह फिर अपने धर्म स्थापक के आगे माथा टेकते, फूल चढ़ाते, महिमा गाते, उनको ये मालूम नहीं पतित पावन एक ही बाप है। अभी क्रिसमस में क्राइस्ट का कितना मनाते हैं, 25 दिसंबर नाता जब आता है तो कितना मनाते हैं, फिर भी गॉडफादर को याद करते हैं, कहते हैं गॉडफादर, उनको पुकारते हैं, उनको यह नॉलेज मिलेगी, क्रिश्चियन को भी, क्रिश्चियन भी भाई बहने बहुत है अपने पास ना, सब आते हैं बाबा के बच्चों, बाबा का ज्ञान लेते हैं, तो बाबा तो कहते हैं चित्र बनाओ तो विलायत भी भेजे, विलायत में भेजे, बेहद सृष्टि के कल्याण के लिए बुद्धि चलनी चाहिए, बाबा की बुद्धि चलती रहती है ब्रह्मा बाबा की, ये चित्रों का कदर बहुत थोड़ों को है, बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा बनाए हैं, कितना रिगार्ड होना चाहिए, इनमें तो बहुत भारी फर्स्ट क्लास सर्विस होती है, ड्रामा अनुसार कोई निकलेंगे जो चित्र आदि बनाएंगे, कितने अपने बाबा के बच्चे हैं आर्टिस्ट हैं। आगे चलकर ऐसे बुद्धिमान बच्चे निकलेंगे जो सेवा में नई नई इन्वेंशन करते रहेंगे, जिसे देखते ही दिल खुश हो जाएगी। अंग्रेजी तो सब तरफ फैली हुई है, भाषाएं कितनी ढेर है, सब देशों में अंग्रेजी वाले जरूर होंगे, इसलिए बाबा भी अंग्रेजी और हिंदी को उठाते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, इसमें बाबा कहते हैं आप सुनाओ, आखिर सब भाषाओं में निकलेगा, किसको भी समझाना बहुत सहज है, परंतु देखा जाता किसकी बुद्धि में नहीं बैठता तो वह क्या काम करेंगे, धन है और दान नहीं करते तो उसको मनहूस कहा जाएगा, कंजूस, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, हर एक को अपनी अपनी उन्नति का ख्याल जरूर होना चाहिए, संघ के रंग में नहीं आना है, सर्विस में ही बीच रहना है, नहीं तो बहुत भारी घाटा पड़ जाएगा, अपनी उन्नति के लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए। बाबा मैं जाकर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करती हूँ, ऐसे ऐसे ख्याल आने चाहिए, उनको कहा जाता सत्व प्रधान बुद्धि, तमो प्रधान बुद्धि न अपना ख्याल करती है न दूसरों का, उनको बेसमझ कहा जाएगा, सत्व प्रधान बुद्धि समझदार है, हिसाब किताब भी कोई कोई का बहुत कड़ा रहता है, समझते हुए भी फंसे हुए रहते हैं, ये समय तो रात दिन सर्विस में लगा रहना चाहिए, खुद की ही कमाई है, मुझे बाप से पूरा वर्षा लेना है, नहीं तो कलप कलप का घाटा पड़ जाएगा, पहले अपना कल्याण करेंगे तब दूसरों का भी कर सकेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ ज्ञान धन दान करने में मनहूस नहीं बनना है,
अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए युक्तियाँ निकालनी है। सेकंड पॉइंट, मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। सर्विस और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। कड़े हिसाब किताब को योग बल से चुकू करना है। आज का वरदान है, याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। जो हुआ वो भी अच्छा और जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा, होने वाला है वो भी बहुत बहुत अच्छा। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची है। सिर्फ याद और सेवा में सदा बिजी रहना है। ये दोनों ऐसे नेचुरल हो जैसे शरीर में श्वास नेचुरल हो। भाग्यविधाता बाबा ने याद और सेवा की ऐसी विधि दी है ना, जिससे जो जितना चाहे उतना अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकता है। स्लोगन, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। कौन सी सीट पर बैठना है? संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले, देखो संतुष्ट मणि बनना है। तो ऐसे याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। हैप्पी सैटरडे।